हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुका है जो हमारे FY BCOM के स्टूडेंट है, SY BCOM के स्टूडेंट है, FY BA के स्टूडेंट है, SY BA के स्टूडेंट है। दोस्तों, आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। दोस्तों, आप कोई भी, आप जिस भी कोर्स पे हो, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आपको इधर दिख रहा है कि टाइम टेबल FY BCOM फर्स्ट हाफ, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने आपका टाइम टेबल आ जाएगा। दोस्तों, ये टाइम टेबल आने के बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हो कि आपको टाइमिंग दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम का। दोस्तों, मैं रीड करके नहीं बताऊंगा कि आपका ये एग्ज़ाम है ये तारीख को, ये आप खुद चेक कर लोगे दोस्तों। लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2 से 6 के बीच में है। आपका पेपर 1 ही घंटे का 3 घंटे का पेपर नहीं है। कोई ये मत सोचना कि हमारा पेपर 3 घंटे का है। दोस्तों, 1 ही घंटे का पेपर है, लेकिन स्लॉट वाइज, मतलब कि आप अपना एग्ज़ाम 2 से 3 बजे के बीच में दे सकते हो, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट। अगर आप चाहे तो 3 से 4 के बीच में दे सकते हो, 4 से 5 के बीच में दे सकते हो, या 5 से 6 के बीच में दे सकते हो। मतलब कि आप इसमें से कोई भी टाइमिंग में से 1 घंटा आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों, इधर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 5:30 पे लॉगिंग करता है एग्ज़ाम के लिए, तो वो 6 बजे ये स्लॉट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मतलब वो पेपर आधा घंटा ही दे पाएगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की ही बनती है, यूनिवर्सिटी की नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों, आपके FY BCOM के स्टूडेंट के लिए आपका मॉक टेस्ट दोस्तों इधर देख सकते हो कि कब से कब तक का है। फर्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला है 20 नवंबर को, और दूसरा होने वाला 21 नवंबर को। टाइमिंग उसका मेंशन किया हुआ है 4 से 5। आपको ये एग्ज़ाम इसी के बीच में ही देना है, ठीक है, इसके बाद, मतलब ये इसमें स्लॉट नहीं दिया हुआ है, ये 4 से 5 के बीच में ही आपको इसका मॉक टेस्ट देना है। अगर हम दोस्तों दूसरे कोर्स की बात कर ले, ठीक है, ये तो हो गया था FY BCOM की, तो हम दूसरा भी कोर्स एक बार ओपन करके देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि दूसरे कोर्स में क्या है, ठीक है, चाहे वो SY BCOM हो, FY BCOM हो, FY BA हो, जो भी हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं SY BCOM का ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप लोगों का भी इधर देख लीजिए, आप लोगों के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपका टाइम टेबल दे दिया है आप लोगों को, सेम कंडीशन आप लोगों के लिए भी अप्लाई किया गया है। देन एक इन्फॉर्मेशन कि आपका मॉक टेस्ट 21 और 22 को है, उधर 20 और 21 को था, इधर 21-22 को है, टाइमिंग सेम है 4 से 5 के बीच में, ठीक है। सेम कंडीशन जो FY BCOM के लिए कहा, वही कंडीशन आपके लिए भी लागू होता है। एक और कोई कोर्स हम ओपन करके देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। लेकिन आज जितने भी नए दोस्त हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसी तरीके से प्यारे वीडियो आपको हमेशा अपडेट में मिलते रहेंगे, और आपके फ्यूचर के लिए भी आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यार, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे कि मैं अभी FY BA के स्टूडेंट का टाइम टेबल ओपन कर दिया है, ठीक है दोस्तों, ये टाइम टेबल आप खुद ब खुद ही रीड कर लेना। लेकिन अब इस टाइम टेबल में क्या इम्पोर्टेंट है वो भी बता दूं कि दोस्तों, आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है सेम जो FY BCOM का था 20 और 21 वही डेट पे है, लेकिन आप लोगों के मॉक टेस्ट का टाइमिंग जो है 12:30 से चालू होगा। एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी सेम रूल है, जो कंडीशन उनके लिए अप्लाई था वही कंडीशन आप लोगों के लिए भी अप्लाई है। और आप लोगों का जो स्लॉट टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है, ठीक है, मतलब 9 से 10 के बीच में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में, 12 से 1 के बीच में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से है, आप FY BCOM हो, SY BCOM हो, FY BA हो, या SY BA हो, आप इसी तरीके से जाके, इधर आपको दिख रहा होगा एग्ज़ाम एंड डेट, ठीक है, इस पे जाके आपको क्लिक करके आपके जो भी एग्ज़ाम है वो आपको चेक करना है, आपके टाइम टेबल आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये SY BA के स्टूडेंट का है, इनका भी मॉक टेस्ट 21 से 22 और 4:30 से चालू होने वाला है, ठीक है, 4:30 PM से। देन कोई सेम एंड कंडीशन रूल्स दिया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम 9 से 1 बजे के बीच में होने वाला है, मतलब स्लॉट है आपका, आप कोई भी बीच में आप एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट 12:30 बजे लॉगिंग करता है, तो 1 बजे तो वो स्लॉट खुद ब खुद बंद हो जाएगा, साइट बंद हो जाएगा, तो आधे घंटे का टाइम मिलेगा, तो वो स्टूडेंट की ही गलती होगी, ठीक है। तो आपको अपना टाइम देख के स्लो, मतलब आपको जब एग्ज़ाम देना है वो डिसाइड करके वो एग्ज़ाम पे आपको लॉग इन रहना। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर दोस्तों आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ सर किसी भी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना,
और चैनल को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय।